विधानसभा चुनाव को लेकर जहां इन दिनों सरगर्मियां तेज हो गई है, वहीं इन दिनों कांग्रेस के टिकट आवंटन को लेकर एक लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। उस लिस्ट में 40 उम्मीदवारों के नाम दर्शाए गए हैं। इस लिस्ट को कांग्रेस चुनाव प्रसार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कोई लिस्ट जारी नहीं की है और न ही किसी उम्मीदवार के नाम पर मोहर लगी है। एक बात कह सकता हूं, जो सोशल मीडिया में जो लिस्ट वायरल हुई है वो राजनीतिक षड्यंत्र है। कांग्रेस पार्टी ने कोई भी ऐसी सोशल मीडिया पर लिस्ट जो वायरल हुई है अभी तक किसी के नाम पर कोई मोहर नहीं लगाई। टिकट आवंटन का एक तरीका है, प्रदेश इलेक्शन कमेटी होती है, उसमें नाम अनुमोदित होते हैं और उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी बनती है जो अभी बनी नहीं है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष, मैं और सीएलपी लीडर तीनों होंगे। उसके बाद शॉर्ट लिस्ट होते हैं, उसके बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी होती है, वो टिकट आवंटन करती है। इस प्रकार की जो टिकट आवंटन की जो लिस्ट सोशल मीडिया के द्वारा प्रसारित की जा रही है ये भ्रम में डालने की स्थिति है। अभी 40 जिन आदमियों के नाम है किसी के बारे में भी टिकट के बारे में अनुमोदन अभी हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने नहीं किया है, इसलिए ये जो खबर प्रचारित की गई है ये झूठी है। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पिंदर कुमार की रिपोर्ट।